नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। अंतरिक्ष में इसरो की एक और सफल उड़ान, पीएसएलवी C-43 की मदद से लॉन्च किए गए 31 सैटेलाइट उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित, पृथ्वी की सतह के अध्ययन में मिलेगी मदद। जीडीपी पर नए आंकड़े प्रमाणिक, दुनिया के बेहतरीन पैमाने से वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। कहा सीएसओ के आकलन डाटा और तथ्यों के आधार पर 2011-12 को माना आधार वर्ष, यूपीए सरकार के 10 साल में घटी ग्रोथ। जीएसटी की तर्ज पर स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में संघीय संस्थानों की जरूरत, वित्त मंत्री अरुण जेटली का ज्यादा लाभ के लिए केंद्रीय और राज्य योजनाओं के विलय पर जोर, आयुष्मान भारत से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी, महिलाओं को मुफ्त शिक्षा, रोजगार समेत कई वादे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राज्य में 4 जनसभाएं। तेलंगाना में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, शमशाबाद में राहुल गांधी की जनसभा। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का होगा व्यापार, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे समेत आतंकवाद से निपटने पर जोर, निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति सम्मेलन की थीम। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मुलाकातों समेत 25 कार्यक्रम। इसरो ने आज अंतरिक्ष में एक और सफल उड़ान भरी, देश का आधुनिकतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाइसिस का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया। भारतीय उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का प्राथमिक लक्ष्य पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है। ये पीएसएलवी C-43 अभियान का प्राथमिक उपग्रह है। इसकी आयु करीब 5 साल होगी। इन सभी उपग्रहों को पीएसएलवी C-43 की 504 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। रॉकेट पृथ्वी का निरीक्षण करने वाले भारतीय उपग्रह हाइसिस और 30 अन्य सैटेलाइटों को अपने साथ अंतरिक्ष में ले गया है। इसमें 23 अमेरिका के हैं। हाइसिस में एक माइक्रो और 29 नैनो सैटेलाइट हैं। ये उपग्रह 8 देशों, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन के हैं। The way the PSLV performed and injected the satellite one by one, you can just see how precisely the mission is happened. It's mainly because of the team ISRO's hard work behind this mission, along with the excellent review mechanisms we are in place, at the same time that excellent that quality system in place in ISRO. At the same time, supported ably by the industry partners to supply flawless hardware. Let me once again congratulate and compliment all of them for this excellent mission. सरकार ने यूपीए शासन के दौरान के जीडीपी आंकड़ों की समीक्षा की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2006 से 2012 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट को पिछली सीरीज के नए डेटा से संशोधित किया है। सरकार का कहना है कि उसने अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश करने के लिए ऐसा किया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2010-11 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.5% रही, जबकि पहले इसका अनुमान 10.3% लगाया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीडीपी पर नए आंकड़े प्रमाणिक, दुनिया के बेहतरीन पैमाने से हैं। उन्होंने कहा कि सीएसओ एक बहुत ही प्रतिष्ठित और विश्वसनीयता वाली संस्था है, जिसके आकलन डाटा और तथ्यों के आधार पर होता है। सीएसओ ने अपने न्यू जीडीपी सीरीज के बेसिस पे 2004-05 से लेकर 2011-12 तक अपने रिवीजन सार्वजनिक किए हैं। 2015 की फरवरी के महीने में उन्होंने एक नया फॉर्मुलेशन किया था जिसपे न्यू जीडीपी सीरीज बनाया था और पुराने वाले को डिस्कार्ड किया था।
ये जो नया सीरीज बनाया था, इसकी जो इंक्लूजन थी, जो जो चीजें इसके अंदर शामिल की गई, वो उसका विस्तार किया गया, और जो विश्व में सबसे अच्छे मापदंड हैं, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, उसके मुताबिक इसको किया गया। और तब से लेकर आज तक न्यू जीडीपी सीरीज लागू हो रहा है। उस वक्त जब यह नया सीरीज लागू हुआ था, तो यूपीए के जो अंतिम दो वर्ष थे इस सीरीज में कवर्ड थे, उनकी ग्रोथ अपवर्ड कर दी गई थी, उसको ऊपर कर दिया गया था, क्योंकि ऊपर कर दिया गया था तो उनके लिए गर्व का विषय था, और इसलिए न्यू जीडीपी सीरीज का उन्होंने स्वागत किया था, और यह कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लगा कि हमने संचालन अर्थव्यवस्था का अच्छा नहीं किया, वो आज गलत प्रूव हो गया, देखिए हमारा डेटा रिवाइज हो गया। अब दो मापदंड तो हो नहीं सकते अर्थव्यवस्था को या डेटा को नापने के। जो 2012 से आज तक लागू है, स्वाभाविक था सीएसओ उसको 2004 से लागू करेगा, ताकि एक ही मापदंड के ऊपर, एक ही यार्डस्टिक के ऊपर वो उसकी तुलना की जाए। अब पहले 8 वर्षों पे जब लागू किया गया तो कुछ कम हो गया, तो कम हो गया तो सीएसओ पे आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिन 2 वर्षों का बढ़ाया था तो उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी। मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी की राजनीति नहीं है। सीएसओ एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही विश्वसनीयता वाली संस्था है, पूरे विश्व में उसका नाम है, उसके जो आकलन होते हैं वो डेटा और तथ्यों के आधार पर होते हैं, किसी की राय के आधार पर नहीं होते, और इसलिए जो लोग सरकारों में रहे हैं उसकी विश्वसनीयता और की उनको जानकारी है। आज ये लगभग इससे प्रूव हो जाता है कि 2004 से लेकर 2018 तक अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति, रियलिस्टिक सिचुएशन क्या थी, एक ही मापदंड उस पर लागू किया गया। बीन द इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट टू मिसलीड और टू ट्राई एंड यू नो डू समथिंग पर्पसफुली विच डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी, एंड आई एम एक्चुअली सीरियस ऑन दैट। So I myself had cancelled the first press conference, if you remember, because we were the statisticians here. My peers were not satisfied with what we had, and they asked us to do more work, and which is why we met again. And only after getting their assurance on the veracity and the credibility of this exercise, have we released it. And so there is simply no attempt at anything which is other than. Putting forward the technically superior and correct data on the growth rate in the economy. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीआईआई स्वास्थ्य सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर वित्त मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवा और कृषि को संघीय संस्थान बनाने की जरूरत है, ताकि राज्यों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि इन क्षेत्रों में सभी योजनाओं को लोगों के लाभ और भारत को स्वस्थ बनाने के लिए विलय किया जाना चाहिए। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार हुआ है। देर आर टू अदर एरियाज विच एमिनेंटली रिक्वायर फेडरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस काइंड। द जीएसटी वाज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड फॉर, दोज एरियाज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड फॉर, बट पोलिटिकल मेजोरिटी कैन इम्पोज ऑन गवर्नमेंट्स टू ट्राई दैट एक्सपेरिमेंट। One is healthcare and one is agriculture. The states are spending on healthcare, the center is spending on healthcare. The states have their scheme, the central has its scheme. The states have their hospital, the center is also establishing institutions of excellence across the states. We are doing Ayushman Bharat, they also have parallel schemes. All this needs to be merged so that the benefit of these merged resources now starts falling to the benefit of the patient population of the country. Obviously, it will be implemented through the states with the central coordinating it. And if you have a federal institution, ultimately, this is not a turf issue. Is my scheme better than your scheme? It's essentially a welfare issue, whether the patients in my state are better than the patients in another state, whether they have more facilities. Every state would stand to benefit if this coordination through such a federal institution actually came up between the center and the states.
And I think the federal institution experiment of the GST having succeeded, healthcare is an area where there would be the least resistance, because it's a welfare targeting programs where we can move significantly a long way in making sure that India remains healthier. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैदराबाद के दौरे पर हैं. यहाँ उन्होंने 18वें ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन्स कॉन्फेडरेशन समारोह को संबोधित किया. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने देश के विकास में बुजुर्गों के योगदान को याद किया. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर समाज अपनी नई पीढ़ी को बुजुर्गों का सम्मान और आदर करना सिखाता है. इस बेहतरीन संबंध को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जाना चाहिए. उपराष्ट्रपति ने कहा कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक अलग चिकित्सा, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बुजुर्गों की भलाई के लिए कई योजनाएं चला रही है. द सीनियर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, आवर एल्डर्स एंड अदर आवर फोर फादर्स, दे हैव गिवन अस दैट कल्चर एंड दैट हेरिटेज, दैट ट्रेडिशन एंड ऑल. इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेजेंट डे सोसाइटी, प्रेजेंट डे लीडरशिप टू कीप इट अप and then promote it and encourage it for and pass it on to the future generation. This is my advice to the leadership of the country and also people who are at helm of affairs in various fields, including our own family members. Secondly, you are truly valuable and important to India and its future. Your wealth of experience will continue giving us wisdom and direction. I am happy to know that All India Senior Citizens Confederation, with a membership of approximately 20 lakhs in various states and union territories in the country, is the largest national level organization of senior citizens of India. संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. इस बार सत्र में क्या कुछ रहेगा खास और सत्र को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इस बारे में राज्यसभा के महासचिव देशजी पक वर्मा से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी ने. ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अगले वर्ष चुनाव भी हैं, तो ये सेशन एक ऐसा सेशन है जिसमें बहुत सारे कार्य संसदीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए जा सकते हैं, और इसके लिए हमने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं. सारे मेंबर्स को समन्स भेजे जाते हैं, सूचना भेजी जाती है, वो सूचना भेजी जा चुकी है और हमारी इसके बारे में तैयारियाँ हो चुकी हैं. हम जो क्वेश्चन हैं वो उनके बैलेट्स होते हैं हमारे यहाँ, वो बैलेट्स प्रारंभ हो चुके हैं और विभिन्न तारीखों की, विभिन्न डेट्स की जो हमारा कार्य है उसको व्यवस्थित किया जा रहा है. इस बीच में 3 ऑर्डिनेंस भी पास हुए हैं और उन ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लाने की परंपरा होती है, तो उन ऑर्डिनेंस के जो बिल हैं रिप्लेस करने के लिए, वो बिल भी संभावना है कि वो इस सेशन में लाए जाएंगे. राज्यसभा के महासचिव के साथ ये खास बातचीत आप देख सकते हैं शाम 5:30 बजे. और आइए अब बात करते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है. राज्य में इस बार पिछले विधानसभा के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ. 2013 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 72.69% के मुकाबले इस बार 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई मौजूदा और पूर्व मंत्रियों समेत दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 1,80,000 से ज्यादा CRPF, BSF और ITBP के जवानों की तैनाती की गई थी. प्रदेश की जनता को अब 11 दिसंबर को इंतजार है जब चुनाव के नतीजे आएंगे. बट इन दिस पर्टिकुलर 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 108 बैहर, इट हैज रिपोर्टेड 78% पोलिंग. 109 लांजी, इट हैज रिपोर्टेड 79.07% पोलिंग. एंड 110 पारसवारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट हैज रिपोर्टेड 80.06% ऑफ पोलिंग. रिगार्डिंग रिमेनिंग 227 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी,
The polling percentage at present, because it has been reported by a state that there has been at some location the queue is still there. So tokens have been distributed to the voters who are still in the queue. The voting percentage comes to around 75% in assembly constituency in Madhya Pradesh, which is in comparison to 2013, it was 72.13%. पूर्वी राज्य मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान का काम संपन्न हो गया। मिजोरम में चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में मतदान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले चुनाव के 83.41% के मुकाबले इस बार 80% मतदाताओं ने ही वोट डाले। मतगणना का काम 11 दिसंबर को होगा। मिजोरम विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य के 1164 पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लोगों की कतारें लग गईं। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लालथन हवला ने दोपहर में आइजोल के बहुतलांग पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सत्ता में वापसी करेंगे। मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष जोराम थंगा ने रामलोंग पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी एमएनएफ चीफ ने कहा कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने राज्य के विकास के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने बल पर बहुमत लाएगी। नॉट बिकॉज इट इज अ टू टर्म बट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ माय पार्टी एंड देन द फेलियर ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट दैट वी होप वी विल बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट दिस टाइम। राज्य में कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है, लेकिन कई लोग मौजूदा मुख्यमंत्री लालथन हवला के कामकाज से खुश नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लोगों की मुख्य शिकायत है। आई लाइक टू हैव न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट ऑल आउटडेटेड फूड बट न्यू फूड। राज्य में पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 32,545 है। इस बार वोटिंग के दौरान युवाओं में खासा उत्साह दिखा। युवा वोटर राज्य में बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर और उन्नत सड़कें चाहते हैं। Want not like the old ones, but the new development for our country. मिजोरम में शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया भी यहाँ की खासियत रही है। मिजोरम की सामाजिक संस्था मिजोरम पीपल्स फोरम को भी इसका श्रेय जाता है, जो चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने में अपना अहम योगदान देती है। तो अब जब मिजोरम के सभी लोग वोट दे चुके होंगे तो सबकी निगाहें 11 दिसंबर को रहेगी। कौन इस राज्य की सत्ता संभालेगा? लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, जिसका जवाब सभी ढूंढ रहे हैं कि नई सत्ता जब आएगी तो किस तरीके से इस राज्य के बुनियादी ढांचे ठीक किए जाएंगे। सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं और रोजगार को ठीक किया जाएगा ताकि इस राज्य को एक नया जीवन मिल सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मिजोरम के आइजोल से अखिलेश सुमन। और राजस्थान में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी समेत कई वादे किए गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में किसानों का कर्ज माफ करेगी, बुजुर्ग किसानों को पेंशन दी जाएगी, इसके अलावा महिलाओं को आजीवन शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। सचिन पायलट ने कहा कि यह घोषणा पत्र सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि पार्टी का कमिटमेंट है। राज्य की 200 सीटों के लिए 7 दिसंबर को मतदान है, परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे। कि किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में यह भी लिखा है कि हम जो महिलाएं हैं राजस्थान प्रदेश में, जो लड़की पैदा होगी उसके पैदा होने तक और जब तक वो पढ़ाई करना चाहे, सारी पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाई में आगे और आए, राजस्थान संभवतः शायद पहला प्रदेश होगा जहां महिलाओं की सारी एजुकेशन राजस्थान सरकार वहन करेगी। हम लोगों ने इसमें राइट टू हेल्थ का मेंशन भी किया है। वृद्ध किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान अपने मैनिफेस्टो में हमने शामिल किया है। हमने GST के बाहर जो कृषि के उपकरण हैं, ट्रैक्टर आदि, हम चाहते हैं कि किसान को राहत मिले और हम सिफारिश करेंगे और ये करेंगे कि GST के बाहर लेकर आएं जो कृषि के उपकरण हैं, विशेष रूप से जो इम्प्लीमेंट्स हम लोग खेती के लिए यूज़ करते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी बिल, उसका भी प्रावधान रखा गया है कि सरकार से जो
डॉक्यूमेंट्स, जो एनओसीज, जो परमिशंस, जो भी चाहिए आम नागरिक को, वो विद इन 30 डेज सरकार उसको देगी। अकाउंटेबिलिटी बिल का हमने प्रावधान रखा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज जयपुर, करौला और नादौती में चुनावी रैलियां करेंगे। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए 7 दिसंबर को मतदान होना है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार में अब महज एक हफ्ते का समय बाकी रह गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हैदराबाद में आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। वहीं सभी राजनीतिक दल के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। राहुल गांधी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने शमशाबाद में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रबंधन और शिक्षकों के साथ एक बैठक को संबोधित किया। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने पर अपना रुख दोहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। राहुल गांधी आज परेगी और हैदराबाद के करीब चिलेवला में रोड शो करेंगे। इसके अलावा वो कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन फॉरगिव 350,000 करोड़ ऑफ 15 पीपल, द रिचेस्ट पीपल इन द कंट्री, देन ही शुड बी रेडी टू फॉरगिव द लोन ऑफ इंडिया फार्मर्स। दे आर फेवरिंग larger corporate institutions and they are harming the institutions that have been set up by thousands and thousands of entrepreneurs like yourself. वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। वो राज्य में कई रैलियों को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पांचवें चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव में 541 सरपंच हलकों के लिए 1209 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा 4297 पंच वार्डो के लिए 4723 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू संभाग के 7 जिलों में पांचवें चरण में मतदान जारी है। वहीं कश्मीर संभाग के 9 जिलों में पांचवें चरण में वोटिंग हो रही है। वोटिंग दोपहर 2 बजे तक होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। अवंतीपुरा इलाके में सेना ने ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद किए हैं। हालांकि अब तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। जम्मू कश्मीर में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में शामिल मोस्ट वॉन्टेड लश्कर ए तैयबा का आतंकी नवीद जट को सुरक्षा बलों ने कल मार गिराया। बड़गाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान का रहने वाला नवीद जट लश्कर में शामिल होने के बाद पिछले कई साल से कश्मीर घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। 14 जून को श्रीनगर में राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की हत्या में भी नवीद जट शामिल था। सुरक्षा बलों ने 24 नवंबर को शुजात बुखारी की हत्या में शामिल एक और आतंकी को मार गिराया था। इससे पहले मंगलवार को 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे। इस दौरान एक जवान भी शहीद हुआ था। कुछ और अहम खबरें। 13वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के लिए रवाना हो गए हैं। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति है। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 सत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के पहले सत्र में जनहित सर्वोपरि विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले असर, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कौशल भारत, डिजिटल इंडिया के साथ साथ वस्तु और सेवा कर समेत कई विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन के मसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का भी आह्वान करेंगे। G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करके आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुलाकात भी शामिल है। इसके अलावा कई और देशों के नेताओं से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी होगी।
भारत के बाद अब पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर की नींव पड़ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नारोवाल जिले में एक समारोह में इसका शिलान्यास किया। इस दौरान भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी सीमा में करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण का काम बुधवार को शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को नारोवाल में हुए समारोह में कॉरिडोर का शिलान्यास किया। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस कॉरिडोर को सिख समुदाय की 70 साल की प्रार्थना का नतीजा बताया। दो दिन पहले जब मेरे पंजाब में हमने नींव पत्थर वहां पे रखा, इस करतारपुर कॉरिडोर को हकीकत बनते हुए मैंने उधर देखा और मेरे गुरु नानक का बुलावा आया, तो आज आपकी धरती में आके यहाँ भी हकीकत देख के जा रही हूँ। इसको मैं कहती हूँ बाबा नानक का चमत्कार। मैं आज उस अरदास के साथ आई हूँ कि मेरे जैसे जहाँ भी अरदास कर रहे हैं उनको भी इसके खुले दर्शन दीदार मिलके वो भी अपनी इबादत करें और अपनी झोली खुशियों से भर सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरोसा दिलाया कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये आपको वाजे करता हूँ कि हम आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, इसको बेहतर करेंगे। ये कॉरिडोर बनेगा और कॉरिडोर में जो दूर खड़े होकर लोग दूरबीनों से देखते थे वो खुद यहाँ दरबार इस दरबार पे आके रह भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं और इंशाल्लाह सारी फैसिलिटीज आपको देंगे। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भारत पाकिस्तान सीमा से 3 किलोमीटर दूर है। ये कॉरिडोर करतारपुर गुरुद्वारे को भारत के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा। इस गलियारे का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक पहुंचना आसान हो जाएगा। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। ये गुरुद्वारा सिखों के लिए खास है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल यहां गुजारे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से कार्यक्रम में कश्मीर मसला उठाए जाने पर नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और ऐसे पवित्र मौके पर कश्मीर मुद्दे का जिक्र बेहद खेदजनक है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फिर दोहराया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के नियोते को अस्वीकार करते हुए सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि भारत सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। That for the last 20 years, rather many years, government of India has been asking for this Kartarpur corridor and for the first time, Pakistan responded positively to this. But that doesn't mean that the bilateral dialogue will start only on this. The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. The moment Pakistan stops terrorist activities in India, the dialogue can start. But the dialogue is not connected with only Kartarpur corridor. बात करेंगे खेलों की। पुरुष हॉकी विश्व कप, भारतीय हॉकी टीम ने अपने पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5-0 से हराकर अपना विजयी अभियान शुरू किया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम शुरुआत से ही हावी होकर खेली और मैच के चारों ही क्वार्टर में अपना दबदबा बनाए रखा। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए। मनदीप सिंह, आकाशदीप सिंह और ललित उपाध्याय ने 1-1 गोल दागा। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बेल्जियम से 2 दिसंबर को होगा। बेल्जियम ने हॉकी विश्व के उद्घाटन मुकाबले में कनाडा को 2-1 से मात देकर जीत के साथ आगाज किया। आज 2 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होगा, वहीं दूसरा मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम फ्रांस से भिड़ेगी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।